हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फैसिनो के बारे में। न्यू लॉन्च है, तो न्यू वेरिएंट लॉन्च हुआ है, इसके बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। यामा फैसिनो यार बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एक स्कूटी है, ये बहुत ज़्यादा सेल आउट प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके लुक्स के बारे में बात करूँ ना, तो मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा। सबसे पहले फ्रंट से यार ऊपर से देखिए आप, मतलब बिल्कुल बिल्कुल शेप जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए हैं। मॉडल आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड है, मतलब इसके अंदर काफी सारे चेंजेस है। तीन चेंजेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले में पता है यहाँ पे मतलब जो लाइट आती थी हैलोजन बल्ब आता था, इसमें आपको एलईडी मिलेगी विद डीआरएल्स। और ये जो है ना, ये मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, भी एक बार जला के दिखाइए जरा। तो इस तरीके का कुछ लुक है, मतलब दिन में तो आपको ऐसा लग रहा है यार, नाइट में देखेंगे ना तो जलने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी लाइट दिखेगी, बहुत ही शानदार लग रही है आप, बहुत ज्यादा प्यारी है। तो ये फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस तरीके का इसका। यहाँ पे आपको इंडिकेटर एंड ये लाइट्स वगैरह ये मिल जाती है यहाँ पे। एक तो इसका ये कलर बहुत अच्छा है, और इसका जो एडिशन टाइप का ये मतलब गोल्डन टाइप का ये दे रखा है स्टिकर एंड टायर से कॉम्बो कर किया हुआ, बहुत ज़्यादा सुपीरियर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। और मैं अगर टायर के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं विद UBS की बैजिंग। UBS मतलब यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें आपको डिस्क ब्रेक ये, और ये जो देख रहे हैं अलॉय व्हील पे जो कलर किया हुआ है ये बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। यहाँ पे भी ये स्टिकर है पीछे भी, और यहाँ पे अलॉय पे भी ये वाला आपको कलर मिल जाता है। टायर साइज की बात करूँ तो 90-90-12 का ये टायर साइज आपको मिलने वाला है। ओपन करते तो यहाँ से सीट भी आपकी ओपन एंड ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं फुल्ली डिजिटली। पहले वाले से बिल्कुल चेंजअप करके दिया हुआ है, पहले से बिल्कुल ही अलग है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, मतलब बहुत सारा बिल्कुल अलग ही हो गया यार। मीटर का लुक जो है बहुत ज्यादा अलग हो गया। यहाँ पे आपको यामा की बैजिंग भी मिल जाती है, जो दे दिया है पहले वाले में सिर्फ डीपर वाला, वो जो ऐसे ऐसे करके होता है यहाँ पे बाइक में लगा रहता है वो ही वाला होता था। यहाँ पे फैसिनो की बैजिंग देखिए आप, मतलब कितने ज्यादा एकदम फैसिनो एस कर गया यार, बहुत ही ज्यादा मतलब गोल्डन, ये भी गोल्डन, अलॉय भी गोल्डन, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस कलर को बताऊं अगर मैं, कलर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। 190 10 10 इंच का टायर मिलने वाला है पीछे वाला आपको। देखिए यार पीछे के लुक्स के बारे में देखिए, पीछे के जो टेल लाइट्स है ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा मतलब आई कैप्चर वाली वाली बात है इसमें, मतलब बिल्कुल ये जो टेल लाइट है पीछे से लुक देखिए यार आप, तो काफी बड़ा साइज का यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे लोबो मिल जाता है आपको यामा का, ये जो इस तरीके का यार डिजाइन दे रखा है ना, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। टेल लाइट पूरी मतलब एक डिजाइनिंग के साथ भी, एक बार जला के दिखाइए जरा चलने के बाद, वाओ इस तरीके का कुछ आपको मतलब ये जो लुक आने वाला है ना बहुत ज्यादा अल्टीमेट। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं साइड में लाइट के अंदर ही, कोई अलग से मतलब कुछ नहीं दे रखा है। मैं पहले वाले की बात करूँ तो यार पहले वाले को देखो आप, पीछे से मैं दिखाता हूँ, पहले वाला देखो और यार ये वाला देखो, मतलब बहुत ज्यादा मुझे तो डिफरेंस लग रहा है बहुत ज्यादा। ये तो लाइटिंग का जो जलने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। पहले मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ आपको, इसमें स्टोरेज क्या क्या मिलने वाला है, उसमें क्या क्या रख सकते हो आपको उसमें बताओ। फ्यूल टैंक 5.2 लीटर का आपको मिलने वाला है, और उसमें स्टोरेज की बात करें 21 लीटर की स्टोरेज मिलने वाली है आपको, 21 लीटर की स्टोरेज, 125 सीसी का इसमें आपको इंजन मिल जाता है, 8.2 bhp का इसमें आपको पावर मिल जाता है, 2 वाल्व एयर कूल सिस्टम, 10.35000 आरपीएम पे ये टॉर्क, 145 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना वीडियो को, चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब कर लेते थोड़ा सा इसके प्राइसिंग के बारे में बात भी। शोरूम प्राइस इसका होने वाला है 80,390 रुपए, और अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ 99,390 रुपए में ऑन रोड प्राइस आपको ये मिलने वाला है।